बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज का जो हमारा पांचवा नंबर टॉपिक है और लेक्चर है जो कि है ये है रूल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रूल क्या है या मैग्नीशियम के जो फंक्शन है या इम्पोर्टेंस क्या है। मैग्नीशियम है बेसिकली कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैं पहला हेडिंग है ये कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। मैग्नीशियम इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। विदाउट मैग्नीशियम प्लांट वुड नॉट बी एबल टू मेक क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम बेसिकली पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। मैंने पहले भी कहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम एक्ट एज एंटीना मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल में जब मैग्नीशियम नहीं होता तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते, यानी दे कैन नॉट कैप्चर द लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी मेन पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विदाउट मैग्नीशियम प्लांट वुड नॉट बी एबल टू मेक क्लोरोफिल। मैग्नीशियम के बगैर पौधे जो के हैं प्लांट्स वो क्लोरोफिल नहीं बनाते एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल नहीं होते खुद ये बात वाज़ है तो फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है होल्ली डिपेंड अपॉन द क्लोरोफिल बिकॉज क्लोरोफिल जो कि है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्लोरोफिल जो कि है एक ग्रीन पिगमेंट है वो जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फिर कन्वर्ट करता है इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा इसमें हेडिंग है एंजाइम्स एक्टिवेटर इन द क्लोरोफिल जो कि यानी मीन मैग्नीशियम इज आल्सो नीडेड फॉर द एक्टिवेटर ऑफ एनी एंजाइम। मैंने कहा कि वो एक माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है मैग्नीशियम। वो मुख्तलिफ एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। फ्रूट एंड नट्स फार्मेशन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैग्नीशियम इज यूज फॉर फ्रूट एंड नट्स फार्मेशन। मैग्नीशियम जो कि है वो यूज़ होते हैं इस्तेमाल होते हैं फॉर फ्रूट फार्मेशन। फ्रूट यानी जब प्लांट्स फ्रूट बनाते हैं एंड नट्स फार्मेशन जब ये जो ड्राई फ्रूट्स है नट्स फार्मेशन के लिए वो नट्स के जो फार्मेशन के लिए वो बो दिया जाए। ये सीड जर्मिनेशन जब सीड जर्मिनेट होते हैं यानी द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होते हैं जब सीड इसमें जब सीड जो कि है डिवेलप इनटू अ सीडलिंग प्लांट्स। खेत में जो कि है वो एक सीड जो कि है वो डिवेलप होते हैं इनटू अ सीडलिंग यानी मीन सीडलिंग प्लांट्स। इसको हम क्या कहते हैं जर्मिनेशन के कहते हैं यानी मीन सीड जर्मिनेशन के लिए भी वो ज़रूरी है। मैग्नीशियम इज आल्सो एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। एसेंशियल होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए के लिए। इसमें आप देखिए बेटा इसमें जो कि मैग्नीशियम आल्सो जो कि है वो इफेक्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस को भी इफेक्ट्स कर इसमें एक अहम रोल होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम अगर आप देखें बेटा डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स लीड टू क्लोरोसिस यानी क्लोरोसिस वो कंडीशन है जब मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आती है प्लांट्स में तो वो क्लोरोसिस कंडीशन आते हैं प्लांट्स में। और तो इसमें क्लोरिस कासिस होती है। क्लोरिस का कौन सी कंडीशन है इसमें जो कि प्लांट्स के जो लीव्स है वो येलोविंग ऑफ द लीव्स होते हैं। इसके लीव्स जो कि है वो येलो होते हैं। दूसरा इसमें डिफिशियंसी या मैग्नीशियम इफेक्ट द नॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ। जब मैग्नीशियम्स की
कमी आती है प्लांट्स में, यानी मैंने पहले भी कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम जो के है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। जब प्लांट में नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट रिड्यूस होते हैं तो खुद बहुत अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ, तो सेल डेथ होती है, वाकया होती है। क्लोरोसिस क्या होती है? ये क्लोरोसिस वो कंडीशन है, द कंडीशन इन प्लांट्स इन लीव्स, द कंडीशन इन विच लीव्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का वो कंडीशंस है इसमें जो कि है लीव्स जो कि है वो कैन नॉट प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि वो सही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो कि है लीव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। व्हाई दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल? बिकॉज देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम मॉलिक्यूल इन द क्लोरोफिल। यानी मीन क्लोरोफिल, मैंने पहले भी कहा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम जो कि एक्ट करता है एक एंटीना मॉलिक्यूल में। जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम नहीं होते तो लाइट ट्रैप नहीं होता, तो लाइट ट्रैप नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो प्रकाश या फोटोसिंथेसिस भी नहीं होते, तो फिर क्लोरोफिल भी फॉर्मेशन नहीं होती, तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं तो प्रकाश या फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती होते, तो इसलिए इसमें एक ग्रीशियम का जो एक है एक अहम रूल है। क्लोरेटिक प्लान है लिटल आर नो एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट। जब क्लोरोफिल एबिलिटी ऑफ यानी क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होती तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होते हैं, तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए एंड मे डाई अनलेस द कॉज ऑफ इट्स क्लोरोफिल इनसफिशिएंसी। उस वक्त तक वो मर जाता है जब कि प्लांट की जो क्लोरोफिल इनसफिशिएंसी हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल इनसफिशिएंसी इज ट्रीटेड थ्रू मैग्नीशियम, सो वी हैव रिक्वायर्ड टू मैग्नीशियम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू पार्ट द प्लांट बिकॉज द मैग्नीशियम एक्ट एज एज एंटीना मॉलिक्यूल। सो व्हेन मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सो दे विल ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इज बीइंग प्रोसेस्ड। सो ये फिर रूल ऑफ मैग्नीशियम अगर आप देखें बेटा इसमें तो ये है मैग्नीशियम की एक इम्पॉर्टेंट रूल जो कि है मैंने बयान की है। थैंक यू।